ये खीमा है, हवा में सही फ्लिप करते भाई, सुने अलग लेवल में लेके चल जा रही है। कहीं का खीमा? चिकन का खीमा है ना जो बन रहा है, वो थोड़ा स्पेशल है। कहीं को बोलते इसमें जो बनाने का तरीका है इसका बहुत नाजुक। इसकी खास बात बोलूं मैं आप लोगों को, इसको जो है हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर बिन सईद एंड वेलकम बैक टू माय फूड ब्लॉगिंग चैनल द फूड इट्स। आज का वीडियो नहीं, थोड़ा हटके बना रहा हूँ। कहीं को बोले तो आज आप लोगों को मैं सऊदी दुबई जो गल्फ की एक बहुत ज़बरदस्त फास्ट फूड जो रहता, एक क्विक स्नैक जिसको बोलते, वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। वो है मुतबक, चिकन मुतबक, जो कि एक अरेबियन डिश है। वो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा यूसुफ टेकरी के ये बड़े से फूड कोर्ट, जिसमें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है आइस एंड स्पाइस, उसमें यहाँ पर मुतबक बनता और बहुत ज़बरदस्त है कहते, मैं ऐसा सुना। तो चलो जाके पहले देखेंगे वो बनता कैसा, उसके बाद मैं खा के आप लोगों को बताता हूँ उसका टेस्ट है कैसा। क्या बोलते जाओ आखिरी चरण में। मुतबक बनाने का जो है सबसे आसान तरीका है, ये जो प्याज दिख रही, ये जो प्याज को जो है कट करके इसको सही धो के जो है भगोने में डाल लेना। उसके बाद इसमें क्या है मालूम, ये खीमा है, कई का खीमा, चिकन का खीमा है ये। इसको जो है अच्छे से बारीक बारीक कर लेके खीमे को इसमें ऐड करके फिर ये अंडे इसमें ऐड कर लेना। अंडे मिला के क्या है इसको सही मिक्स करते कि चिकन का जो है खीमा रेडी हो जाता बिल्कुल। उसके बाद इसको जो है ये सही जो पेड़ा है उसको अच्छा जो है बेल के इसको बड़ा कर लेना। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हवा में सही फ्लिप करते भाई इसको, अरे 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 क्या फिरा रहे भाई, अरे 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 ख़त्म। उसके बाद ये बड़े से जो स्टोव पे ये मुतबक की रोटी आ गई, और ये जो अभी तीन चीज़ आप मिलाए थे जो खीमा, प्याज की पत्ती और अंडा, वो भी इसमें आ गया। अपना जो बन रहा है वो थोड़ा स्पेशल है, कहीं को बोलते इसमें आएंगी अब चीज़, ये लियो। तो चीज़ भी कट के इसके अंदर आ गया। अब जो है इसको फोल्ड कर लेंगे और स्क्वायर शेप में ले लेंगे इसको, चार कोनी के शेप में ले के सही स्टोव पे पकाएंगे इसको। तो देखो 5 मिनट हो गए बाद इसको अच्छे से पलटा के थोड़ा जो है इसको ऑयल डाल के और अच्छे से इसको सेक के इसको रेडी करेंगे। तो मुतबक हो चुका है रेडी, और कलर देखो आप लोग इसका, ज़बरदस्त लाल लाल कलर आ गया, और देखते कि मुंह में पानी आ रहा भाई, ज़रा जल्दी कट करो इसको। तो ये आ चुके हैं 9 टुकड़े और ये आ गए प्लेट में, ख़त्म। अब अंदर जाना, बैठना, जबरदस्त तरीके से खा लेना उसको। तो मैं आ गया अभी सिटिंग सेक्शन में, और बहुत जबरदस्त सिटिंग सेक्शन है, कंफर्ट एंड बहुत पीसफुल। तो ये है वो मुतबक साहब, गरम गरम है अब भी, ऐसा तवे पे से निकलते कि यहाँ पर आ गया। और इसकी खास बात बोलूँ मैं आप लोगों को, इसको जो है ज़रा भी ठंडा हो गया तो ख़त्म हो गया समझो मुतबक। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हुए, ये है मुतबक और 9 पीसेस, और ये है मेयोनीज। तो मैं लेता हूँ अभी इसका पहला बाइट। बिस्मिल्लाह, अब आखिरी गरम है उसका, पहले तो मैं बहुत गरम गरम इसको खा लिया, एंड अब इसके टेस्ट की अगर बात आप लोग पूछे तो ये जो एग है, एग का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है इसमें। कहीं को बोलते ये जो अंडा है ना वो कच्चा पक्का तले हुआ है, लेकिन उसका मज़ा बेहतरीन आ रहा, और ऊपर से जो इसकी प्याज है उन्हें अलग लेवल में लेके चल जा रही टेस्ट को। इसमें जो है असल खीमा ही नहीं आया जो मैं खाने वाला था, जो चिकन खीमा है, तो उसको अपन यहाँ बाजू देखेंगे, हाँ इसमें है। तो चलो खीमे में कुछ ज़बरदस्त स्पेशल मसाले मिले हैं लोग वहाँ, जिससे उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा। और ये तीनों भी चीज़ें जो मिला के ना बना रहे इसमें, जैसा प्याज हो गई और चिकन का खीमा हो गया और अंडा हो गया, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बेबहरा है और ज़बरदस्त है ये मुतबक। और इसकी मेन एक बात बोले तो ये जो बनाने का तरीका है इसका बहुत नाजुक है। जो रोटी है उसको ज़्यादा पतली भी नहीं बेल सकते, ज़्यादा मोटी भी नहीं बेल सकते,
तो एक हिसाब में बोले तो जो है कलर भी आता और उसका टेस्ट भी आता, तो ज़बरदस्त है मुतब्बा। मैं पहली बार ट्राई करा, बहुत बेहतरीन दिखा मेरे को। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाह रहे तो आइए यूसुफ टेकरी के फूड कोर्ट में आइस एंड स्पाइस में। जरा ठंडा हुआ अब बेहतरीन दिख रहा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप यू ऑल लव दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो, कमेंट करो आप लोगों को ये कैसा दिखा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दी फूड इट। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई डिश के साथ, कुछ ऐसी नए फूड के साथ। टिल देन रखिए मेरे को दुआओं में याद। सी यू, लव यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।